नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब की न्यूज़ में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज हैं, हाइट इंक्रीज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है भाई, जिसकी सोच रहे हैं भाई 18 साल या उससे ऊपर एज हो चुकी है, वो हाइट कैसे निकाले। सबसे पहले मैं बता दूं, आपकी 22 साल तक आपकी एज निकल सकती है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप 2 या 3 इंच 4 इंच निकाल दोगे, आप 1 या 2 इंच तो निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। 2 या 1.5 महीने की मेहनत में आप 1 से 1.5 इंच हाइट निकाल सकते हो। बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ के लिए ये चीज़ अप्लाई होती है। तो दोस्तों, मैं आपको लगातार वो एक्सरसाइज बताता रहूँगा, कंटिन्यू 5 टॉप एक्सरसाइज आपको बताऊँगा अभी कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है जिससे आपको हाइट इंक्रीज़ करने में मदद मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना, पहले आपको रनिंग लगानी है। जो बॉयज़ हैं वो अपना आर्मी वाला वर्क करते रहे, और वर्क करने के बाद आपको एक्सरसाइज लगानी है। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, और बॉडी जितनी गर्म होगी उतना अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। यही गर्ल्स को करना, आपको 4 या 5 राउंड लगाने होंगे पहले ग्राउंड के, जिससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए। अगर राउंड नहीं, आप रोड पे रनिंग कर सकते हो, जो भी आपकी जगह है वहाँ पे रनिंग करो, जिससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। उसके बाद आपको जंपिंग जैक लगानी है। जंपिंग जैक आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सी होती है जंपिंग जैक। ये आपकी जंपिंग जैक होती है, ठीक है दोस्तों। आपको टाइमिंग के हिसाब से लगानी है, 1 या 2 मिनट आपको जंपिंग जैक करनी होगी। और आप ये पोजीशन आप देख लीजिए, यही पोजीशन आपकी होनी चाहिए जंपिंग जैक के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज की। सेकंड एक्सरसाइज में आपको रस्सा कूदना, ठीक है दोस्तों। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए एक्सरसाइज है ये। आपको रोप रोप के साथ रस्सा कूदना है, ठीक है दोस्तों। आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, 50-60 रुपये की रोप मिलेगी, वो आप लेके, और ये ज़रूर करनी है आपको, ठीक है दोस्तों। इससे बहुत मदद मिलेगी। तीसरी एक्सरसाइज जो बेस्ट एक्सरसाइज मैं मानता हूँ, रनिंग सबको पता है हाइट के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये है। आपको किसी पोल पे बीम जो लगाते हैं हम, उस पे लटकना होगा। पहले आप होल्ड करें, लटक के आप होल्ड करेंगे 1-1.5 मिनट तो आराम से आपको रुकना ही होगा। गर्ल्स को मैं बता दूँ, आप डे टू डे इंक्रीज़ करते रहना। पहले जितना आप टाइम देखना, पहले दिन कितना कर रहे हो, फिर उससे अगले दिन 2 या 3 सेकेंड आप फालतू करना, फिर उससे आगे कुछ टाइमिंग बढ़ाते रहना आपको टाइमिंग, ठीक है दोस्तों। और बॉयज़ को 1 मिनट तो प्रॉपर लटकना है, फिर आपको पैरों के साथ जितना हो सके ऊपर ऐसे खींचना है। स्ट्रेच जितना बॉडी को करोगे आपकी मसल उतनी खोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट एक्सरसाइज ये है, लास्ट एक्सरसाइज आपको ये बीम, ये हमारी पुशअप होती है, एक स्टाइल है हिंदू पुशअप बोलते हैं इनको हम। आपको ये वाली पुशअप लगानी है, इसमें फुल बॉडी एक्सरसाइज होंगी आपकी। बॉयज़ के लिए है ओनली ये वाली एक्सरसाइज। गर्ल्स आप कुछ भी, आपको बस ये 3 एक्सरसाइज करनी है। आपको एक जंपिंग जैक लगानी है आपको, और जितना हो सके लटकना है आपको, और पैरों को ऊपर करना है, ठीक है। ये गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए मस्ट है ये एक्सरसाइज आपको करनी ही होंगी। और वार्म अप ज़रूर ले लेना दोस्तों, सबसे पहले आप रनिंग के माध्यम से आप वार्म अप लेना, और जितना स्ट्रेचिंग हो सकती है, किसी दिन हम आपको अलग से वीडियो डालेंगे फुल बॉडी स्ट्रेचिंग क्या करनी है आपको रनिंग के बाद, क्या क्या एक्सरसाइज आपकी हेल्प करेंगी, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी फुल वीडियो उसकी भी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। तो थैंक यू फ्रेंड्स।